दर्शकों कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका दिल से स्वागत करती हूं दर्शकों आपने गाना तो सुना होगा हम है राही प्यार के चलना अपना काम पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान ये पल भर में हर मुश्किल आसान होने के लिए और प्यार के रास्ते पे चलने के लिए राही भी तो चुनना जरूरी है सही राही चुनना <laughs> हमारे कवियत्री जी ने ऐसा ही बहुत प्यारा राही चुना है इस रास्ते पे चलने के लिए वो राही है परमात्मा उनकी कविता है शिव पथ के राही तो हम उस कविता के बारे में जानेंगे हमारी कवियत्री जी सीता गुप्ता जी से नमस्कार सीता जी नमस्कार आपका स्वागत कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में ये कितना प्यारा शीर्षक है शिव पद के राही ये कविता आपने भगवान के ऊपर लिखी हुई है शिव माने कल्याणकारी हाँ। तो तो कल्याणकारी कर... पद के हम सब राही बनना चाहते ही हैं हाँ भगवान तो वैसे भी हमारे हर कार्य में है ही सदा सहयोगी हाँ सबका बैकबोन तो परमात्मा ही है ना बिल्कुल और उसका साथ है तो हम उस राह पर चल सकते हैं आपने कहा है सुख है सारे सुमन सुख है सारे मन सुमन तो प्यार के बरसात कर राहत मिले आहत मनो को राहत मिले आहत मनो को कुछ तो ऐसी बात कर छलनी जिगर झूठी हंसी है छलनी जिगर झूठी हंसी है अपनों ने ही मात दी है ये छलनी जिगर झूठी हसी है अपनों ने ही मात दी है माना क्या देखिए इसको शुरू से लीजिए सूखे हैं सारे मन सुमन तू तो प्यार की बरसात कर राहत मिले आहत मनों को कुछ तो ऐसी बात कर छलने जिगर छोटी हंसी अपनों ने ही मात दी है मरहम लगा जखमू पे उनके मत चोट कर आघात कर क्या बात है आप गाती भी कितना प्यारा है तो सूखे है सारे मन सुमन आज सबके मन अंदर से सूखे हो गए हाँ। क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं हाँ। आपस में एक दूसरे का सहचर्य मिलता नहीं मित्रता सच्ची रही नहीं आज कोई कृष्ण सुदामा जैसे मित्र तो कोई है नहीं हाँ। तो आदमी अंदर अंदर दबता जा रहा है क्योंकि खुलकर मन की बात किसी से कह नहीं पाता उसी को मैंने सूखा मन बोला है अच्छा तो जब कोई चीज़ सूख जाती है तो हमें बरसात चाहिए तो वो प्यार की बरसात प्यार की बरसात कैसे मिलेगी अपना वो से मिलेगी अपना तो वो, हाँ। तो वो किससे मिलेगा अपने संबंधियों से माता से पिता से भाई से बहन से लेकिन आज सारे रिश्ते ही भौतिकवाद में इतने उलझ गए हैं कि कौन किसको कितना बड़ा उपहार देता है कौन किसको कितना बड़ा प्रीति भोज देता है बस हम उसी से मापते हैं हाँ वो तो सही है इसीलिए मैंने लिखा राहत मिले आहत मनो को सबके मुंह पर हंसी बेशक है लेकिन अंदर से सब खाली है छलनी जिगर झूठी हंसी है अपनों ने ही मात दी है अच्छा छलनी जिगर अंदर से सब घायल हैं अच्छा। और झूठी हंसी है लेकिन मुख पर हंसी का मुखौटा ओढ़े रहते हैं सब दिखाना चाहते हैं हम जीवन में सफल हैं हम जीवन में बहुत कुछ है लेकिन ऐसा लोग क्यों दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है अच्छा अच्छा हम भी कुछ है हम भी कुछ है जरूरत क्या है हम जो है वो सो है ऐसा बनाने की जरूरत ही क्या है तो इसी को मैंने लिखा है छलनी जिगर झूठों हंसी है अपनों ने ही मात दी है अपनों ने ही मात दी है अपने ही हमें सबसे ज़्यादा छलते हैं ना क्योंकि हमारे जो अच्छी बातें हैं वो भी उन्हें मालूम है जो हमारी कमजोरियां हैं वो भी उन्हें मालूम तो सबसे ज़्यादा जानकारी किसके पास है और बाहर वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है हम गिरते हैं या उठते हैं जो हमारे संबंधी होते को ही अंतर पड़ता है कि हम ऊपर जा रहे हैं कि हम नीचे जा रहे हैं हमारी सफलता से अगर उन्हें ईर्ष्या होगी तो भी पास वालों को ही होगी हमारी सफलता में गर्व होगा तो भी पास वालों को ही होगा लेकिन ऐसा क्यों होता है अपने धोखा देने से क्यों प्रेरित होते हैं ईर्ष्यावश ईर्षाव लेकिन अपनों को अपने उनसे क्यों ईर्ष्या होगी भला आप इतिहास में चले जाइए अपनों ने ही मात दी है पृथ्वीराज चौहान ने सोलह बार जीता है मोहम्मद गौरी को मैं हाँ वही मैं पूछना चाहती हूँ लेकिन जब जयचंद उसके साथ मिल गया तभी तो, तो वो हारे हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं वही आगे जाइए महाराणा प्रताप सारे जीवन लड़ते रहे मुगलों से लेकिन उन्हीं के साथ के जितने राजपूत राजा हैं किसी ने उनका साथ नहीं दिया अकेले लड़ते रहे ना अगर सभी राजपूत मिल जाते तो मुगलों की क्या भी साथ थी मैं वही पूछना चाहती थी हालांकि उनका मानसिंग जो है वो भी तो राजपूत राजा ही था जो उनका सेनापति था बिल्कुल माफी चाहती हूँ लेकिन मैं यही पूछना चाहती थी कि ऐसी प्रवृत्तियाँ क्यों है भला इंसानों के अंदर इंसान इंसान की तरह क्यों नहीं बिहेवियर करता क्योंकि तो क्या हम स्व केंद्रित हो गए अच्छा। अपनी सफलता ही केवल सफलता लगती है अच्छा जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था मछली वाली बात हमारे सबके अंदर नहीं रही केकड़ा वाली है उसको गिरा के मैं चढ़ू हाँ। इसलिए दूसरे का पांव खींच लेते आगे बढ़ी है आप देखिए सिराजुद्दौला कितना बहादुर था बंगाल का नबाब बिल्कुल उसी का सेनापति मीर जाफर अगर अंग्रेजों से न मिल गया होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता हाँ, बराबर है तो वही मैंने लिखा है कि अपनों ने ही मात दी है मरहम लगा चोटों पर उनके मत चोट पर आघात कर। ये गाके सुना देंगे जैसे अपने पहली पंक्तिया सुनाई वैसा तो बहुत मजा आ जाएगा। हो गहन कितना अंधेरा एक रश्मि ही बहुत है सीख उस नन्हे दिए से जलता रहा जो रात भर कौन किसको दे सके सुख सब यहां गमगीन है तू लुटाता चल खुशी मत लेने की कुछ आस कर क्या बात है क्या एक दीपक भी जल रहा हो तो पूरे घर में रोशनी नहीं हो जाती बेशक सूरज जितनी नहीं होगी लेकिन आप स्पष्टता से देख सके इतनी तो होगी हाँ। तो उसी को मैंने लिखा है, हो हैं कितना अंधेरा एक रश्मि ही बहुत है सीख उस नन्हे दिए से जलता रहा जो रात भर तू लुटाता चल खुशी मत लेने के कुछ आस कर आज लोग लेने में ज्यादा रह गए ना सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए इससे भी लेना है उससे भी लेना है उससे भी लेना है अगर कोई देगा ही नहीं किसी को तो फिर लेने वाला तो कहाँ से लेगा आपके पास कुछ होगा ही नहीं जितना था वो मैंने ले लिया हाँ। उसके बाद आप कहाँ से देंगे जब तक पीछे से आपको कोई और ना दे बिल्कुल बराबर है मैं एक ना बचपन में ऐसा सांता क्लॉज आता था ना तो मुझे बहुत खुशी होती थी और उसके पास एक बहुत बड़ी झोली होती थी तो मैं अक्सर मेरे दादाजी से पूछती थी इसके पास कितनी बड़ी झोली है और वो गिफ्ट्स बांटते ही फिरता है वो झोली ख़त्म ही नहीं होती है तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि ये जो सांता क्लॉज है ना वो मन को ही झोली बता बनाता है मन की ही झोली बनाता है और उसमें ना बहुत सारी खुशियाँ बहुत आनंद भरता है और वो आनंद तो जितना चाहे आप बाटो वो ख़त्म तो होता ही नहीं वो बांटने से बढ़ता है वैसा ही कुछ आपकी बातें सुन के मुझे मालूम हुआ आगे का गा के सुनाइए ना आप हर बाप के बच्चे बनो तुम यज्ञ के रक्षक बनो तुम हर घड़ी अंतिम घड़ी है मत वक्त को बर्बाद कर हर घड़ी अंतिम घड़ी है हमको ये तो पता है कितना जीवन हमने बिता दिया हाँ लेकिन हमको ये कहाँ पता है कि कितना बाकी है सो तो है तो इसीलिए मैंने लिखा है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है मत वक्त को बर्बाद कर इसमें उसमें उसमें वक्त को बर्बाद करने से अच्छा जितना मेरे पास समय है उसको मैं सफल कर लूं हम समय को वापस नहीं ला सकते पूरा धन देकर भी मैं समय को कभी वापस नहीं ला सकती हूँ तो समय सबसे बड़ा खजाना है इसलिए मैंने लिखा हर घड़ी अंतिम घड़ी है मत वक्त को बर्बाद कर छोड़ दो झूठे अहम को सत्य सुचिता कर्म में हो हम करें प्रत्यक्ष प्रभु को अवनि और आकाश पर प्रभु कौन है जो सबको देता है हाँ। प्रभुता जिसमें है हाँ। तो प्रभुता क्या है सबको देने वाला प्रभु तो मैं उसको प्रत्यक्ष कैसे करूँगी किसी का पिता बहुत अच्छा हो समाज में उसका बहुत ऊंचा रुतबा हो बड़ा सज्जन हो दानशील हो तो उसके बच्चे कृपण हो तो लोग क्या कहते हैं पिता तो इतना दान ही था बच्चा देखो कैसा है तो हम उसके कर्म को कैसे उजागर करते हैं उसी की तरह दानशील बनकर तो मैंने भी ये कहा है हम करें प्रत्यक्ष प्रभु को अवनी और आकाश पर नाच ले दिल की खुशी में उड़ उमंगों के पखों पर ईश बरसा रहे वरदान स्वर्ग की सौगात भर क्या बात है ये तो आप... दिल में खुशी होगी तो उमंगों के पखों पर नाच सकते हैं क्या बात है कितनी प्यारी बात है और आपने जैसे कहा कि हम उसके बच्चे हैं मतलब भगवान की भक्ति करना या ना क्या भक्ति करना यानी यही है कि उसको फॉलो करना उसके जैसा बनना यही तो सच्ची भक्ति है और यही आपके कविताओं में से आपके शब्दों में प्रकट होती है <laughs> आगे का स्वर्ग की सौगात पर क्या बात है तो हम भारत भूमि को कैसा बनाना चाहते हैं स्वर्ग स्वर्ग में क्या है सबके पास खाना है सबके पास पहनना है सबके पास खुशी है सबके पास आनंद है तो जीवन में भी अगर ऐसा हो जाए तो यही धरा स्वर्ग जैसी हो जाएगी आज की परिस्थिति देख के ये क्या है मुमकिन है भारत भूमि फिर से स्वर्ग बन जाए अगर सभी अपने को सुधार लें सभी सच्चे मानव बन जाएं तो सब कुछ मुमकिन है ना वैसे तो मैं से तो मुमकिन है लेकिन आज हम कुछ... जब कहते हैं कि ये सुधरे ये सुधरे तो चार उंगली अपनी तरफ करते ये बात तो बचपन से माता-पिता हाँ। तो समझाते आए ना तो अगर मैं सुधर जाऊं हाँ। आप भी सुधर जाएं सब सुधर जाएं <laughs> तो समाज तो व्यक्ति से ही बनता है ना व्यक्ति से ही जब हम समष्टि तक जाते तो सब समय सुंदर बन जाएं तो संसार सुंदर हो ही जाएगा ना सारे फूलों को खाद पानी मिल जाए तो पूरा बगीचा महकेगा ही तो स्वर्ग की शुरुआत अपने मन से अपने गुणों से अपने बर्ताव से करनी है <laughs> आगे का सुना दीजिए नाचले दिल की खुशी में उड़ो मंगों के पर। जब मेरे चारों तरफ वातावरण सुंदर होगा तभी तो हम मन से नाच पाएंगे क्या बात है <laughs> मन चंगा तो कठौती में गंगा बचपन से सुना ना <laughs> तो मन खुश तो तन भी खुश हाँ वो तो है आज अंदर से मन खुश नहीं है सुविधाएं ज्यादा हैं फिर भी हम में से अधिकतर लोग कोई डिप्रेशन में चला जाता है कोई उसमें चला जाता है क्यों बचपन से अभी देख लीजिए सुविधाओं में अंतर नहीं है क्या हुँ. हम तो बैलगाड़ी में चलते थे <laughs> अभी कहाँ चल रहे हैं एरोप्लेन में बैठ कर यहाँ आ गए <laughs> तो साइंस ने तो कितनी वो सुविधाएं दे दी लेकिन सुख है क्या वही मैंने कहा है ना कि दिल की खुशी होगी तो हम उमंगों के पखों पर ना सकेंगे ना तो दिल की खुशी आएगी सच्ची संपदा सच्ची संपदा जो हमने पिछले उसमें लिया था कि हमारा मन कैसा हो हमारे वचन कैसे हो हमारी वाणी कैसे हो हमारे कर्म कैसे हो अगर सब सुंदर है तो मन खुश है ना बिल्कुल मन को अगर तृप्ति का आभास नहीं होगा तो मन कर्म करना छोड़ देगा मन गलत दिशा में हमको ले जाएगा और जब कहीं से भी प्राप्ति नहीं होगी तो हम आकर्मण्य बन जाएंगे बिल्कुल और आपने कहा है ईश्वर तो ईश्वर से हमें कौन से वरदान प्राप्त करने हैं ईश्वर ने पहले ही देकर भेजा है मैंने कुछ देर पहले कहा था आपको याद होगा कि ईश्वर प्रत्येक मानव को कुछ ना कुछ विशेषता देकर भेजता है सो तो है माली ने जितने भी फूल बगीचे में लगाए हैं दर्शकों आप भी मेरी बात से सहमत होंगे माली ने जितने भी फूल बगीचे में लगाए हैं किसी के पास रंग है किसी के पास रूप है किसी के पास खुशबू है किसी के पास आकार है लेकिन है सबके पास का सब कुछ क्या बात है अगर एक गुलदस्ता भी यहाँ रखा है आप देखिए इसमें पत्ते भी हैं इसमें फूल भी हैं अगर खाली फूल हो तब भी सुंदर नहीं लगेगा खाली पत्ते हो तब भी सुंदर नहीं लगेगा तो हर एक के पास कुछ ना कुछ है तो हम सब बस भी... उसको एक दूसरे को देते रहें तो दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। बिल्कुल तो हम सब भी ईश्वरीय बगीचे के फूल है इसलिए विशेषताओं से गुणों से संपन्न है आपने जो बात कही थी इसमें कि हर समय अंतिम समय है तो मुझे वो याद आया हमारा जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें जो कहा है कि उसमें जो कथा आई है कि परीक्षित राजा को वो तक्षक सर्प सात दिनों में काटने वाला था और इतना ही समय उसके पास बाक़ी था तो उन दिनों में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया उन्हें उसने वो भागवत पुराण प्राप्त कर लिया और उसमें ऐसा आ गया है कि हम सब के पास भी सिर्फ सात दिन है आने वाले सात दिन है मतलब ये आ, हम सबके पास भी सात दिन है सात दिन मतलब आने वाले सात दिन नहीं हम सब भी हम सब भी किसी किन्हीं किन्हीं सात दिनों में ये देह छोड़ने वाले हैं ऐसा नहीं कि कल ही लेकिन किन्हीं सात दिनों में ये देह हम छोड़ने वाले हैं तो हमारी जो उन्नति है वो हर पल अंतिम समय है ये ध्यान में रखते हुए हमें करनी है और कितनी अच्छी बात आपने कही कि अगर ऐसे ऐसे मौके पर भगवान हमारे साथ है शिव पथ के राही है परमात्मा हमारा साथी है तो हम ये उन्नति बिल्कुल कर सकते हैं और मुझे एक आपका मुक्तक भी याद आया इसमें इस कविता के शब्द में इतना प्यार इतनी प्रीति भरी हुई थी तो आपकी आपका एक मुक्तक प्रीति मुझे याद आया जिसमें आपने कहा है प्रीति की अद्भुत रीति है प्रीति की अद्भुत रीति है ये दर्द में रहकर जीती है प्रीति की अद्भुत रीति है ये दर्द में रहकर जीती है जग के अशकों को पीती है फिर भी अंदर से रीती है क्या बात है कितना वो राइम जो है वो भी इतना सुंदर आया है प्रीति की कौन सी अद्भुत रीति है प्रीति की अद्भुत रीति है ये दर्द में रहकर जीती है जग के अशकों को पीती है फिर भी अंदर से रीती है। जब हमारे पास दर्द होता है तो आंखें बरसती है ना हाँ। तो वही अशकों को पीना अच्छा। लेकिन फिर भी मन तो खाली होता है तभी तो रो रहा है हाँ। अंदर से रीति अर्थ रीति माने खाली खाली। चुभते तानों की सुई से अंतर के घावों को सीती है कितने सारे तानों की सुई ऐसा क्यों कहा प्रीति को जब किसी के कठिन दिन आते हैं तभी तो लोग ताने मारते हैं बराबर। ये किया होता तो ऐसे अच्छा होता हमने कहा था आपने बात नहीं मानी नहीं तो आप और सफल होते हाँ। आपने सही रास्ता नहीं चुना इसलिए सफल नहीं हुए अच्छा ओके ओके आपके पास इतना धन आप दे देते तो आपको हायर कॉलेज में दाखिला मिल जाता अनेकों प्रकार के ताने लोग मारते ना न हाँ, लेकिन हाँ। क्या कोई भी सहायता करने आता है <laughs> तो चुभते तानों की सुई से अंतर के घावों को सीती है हंस कर के प्रेम निभाती है मन पर चाहे जो बीती है <laughs> हस्कर प्रेम निभाती है मन पर चाहे जो बीती है ये बहुत बड़ी विशेषता है प्रीति की चढ़ते सूरज को नमन सभी का यही जगत की रीति है इसमें इतना हमें हताश होने की क्या जरूरत है तो संसार का नियम है ना सूरज को अर्घ देते हैं जब वो चढ़ रहा होता है हुँ. तो अब जो कोई जीवन में सफल है धन से संपदा से संपत्ति से सौंदर्य से सत्ता से उसी को तो सब सलाम करते हैं तो इसमें नया क्या है जो मैं हताश हो जाऊं मेरे पास बहुत कुछ है अगर आपकी दृष्टि ने उसे नहीं पहचाना तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए मैं क्यों हताश हो जाऊं मैं अपनी ऊर्जा को पहचान के जितना मेरे से बन सकता है उतना करूं हंस करके प्रेम निभाती है मन पर चाहे जो बीती है दुनिया के मेरे मन पर चाहे जो बीती लेकिन मेरे पास जितनी ऊर्जा है जितनी सामर्थ्य है मैं उतना फिर भी करती रहूँ ये कठिन नहीं है कि इतना मतलब मन पे इतनी सारी बातें बीती है फिर भी हंसकर सबका स्वागत करना ये कठिन नहीं है तो कठिन पद पर चले बिना कौन सा सफल हुआ है <laughs> लेकिन इसके लिए ये हीरे को तराशा ना जाए तो चमक थोड़ी ना आती है वो दुक्का कोयले की खान से निकलता है ये विशेषता हमें कैसी आ सकती है कठिन समय में भी मुस्कुराना और सबका स्वागत करना ये विशेषता हम मुस्कुराने से मेरा देखिए यहाँ ये नहीं है कि हम हमेशा हंसते रहेंगे हाँ लेकिन हारना नहीं है गिरना नहीं है विवश नहीं होना है अर्थ ये है मुस्कुराने का अर्थ हमेशा ये नहीं है कि हम हंसते रहेंगे मुस्कुराने का अर्थ है कि मेरे पास इतनी ऊर्जा बचे कि मैं आगे का निर्णय लेकर उसको आगे बढ़ा सकूं। अच्छा। वहीं पर हताश होके छोड़ ना दूं अच्छा जिसको गीता में कहा गया कि कर्म करना आपके बस में है फल आपके बस में नहीं अच्छा। है किसान ने पूरा जीवन खेत में उकी लगाया छः महीने तक लगाए फसल पककर तैयार खड़ी हो गई लेकिन अगर अंतिम समय में बारिश आ गई तो पूरी फसल तो बर्बाद हो गई हाँ लेकिन फिर वो क्या अगले सीजन में फिर से बीज नहीं डालता क्या बात अगर है। वो ये सोचकर बै, बै, बैठ जाए कि अगले सीजन में भी अगर बारिश आ गई तो मेरे पास फसल कहाँ से आएगी क्या बात है तो ऐसे ही मुझे भी करना है कि, कि चढ़ते सूरज को नमन करना ये तो संसार की रीति है जब मैं चढ़ जाएंगे तो फिर लोग नमन कर लेंगे <laughs> सो so, हमें जो कुछ भी है मतलब कभी भी हम ऊपर नीचे जो होता है ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन चढ़ाव आने से हमें अहंकार भी नहीं आना है या उतार आने से हमें डिस्करेज भी नहीं होना है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मुझे एक बहुत अहम बात आपसे पूछनी थी अलग बात है लेकिन आपने ये कविता इतनी प्यार से गा के सुनाई ये कविता है नहीं ये गीत थे ना मुझे ये मैं जानना चाहती थी ये मुक्तक है ना हाँ ये मुक्तक है लेकिन, ये प्रीति के ऊपर है इसीलिए उसी पांच लाइन में मैंने समेट हाँ, दिया लेकिन उ... कविता में लय होती है वो बढ़ती जाती है आगे मैंने बताया था मुक्तक जो होता है उसमें हमने एक शब्द को लिया एक भाव को लिया उसी को पिरो दिया लेकिन पहले आपने जो सुनाई शिव पथ के राही वो एक प्यारा सा गीत था तो मैं ये जानना चाहती थी कि कविता और गीत में क्या फर्क है गीत को गाया जा सकता है कविता को सुनाया जा सकता है दोनों में कुछ विशेष अंतर नहीं है अच्छा गीत को सरगम में ले आइए वो आप गा सकेंगे अच्छा और आपने इतना अच्छे से वो गा के सुनाया आप कहीं पे गाना सीखी हुई है नहीं मैं बचपन में हारमोनियम बजाती थी अच्छा लेकिन उसके बाद परिवार में आके जब परिवार की जिम्मेदारी ऊपर पड़ती है तो सब छूट जाता है अच्छा तो उतना अभ्यास नहीं कर पाए बाद में लेकिन गाने की आदत थी तो गा लिया अच्छा अच्छा और ये जो कविता है उसके बारे में मैं एक जानना चाहती हूँ ये जो मुक्तक है हम आप चार लाइन में बहुत कुछ कह जाती है तो ऐसा इतना इतने विचार इतनी हम जिसे आशय गर्भता कहते हैं वह इतने कैसे आ जाती है चार लाइन में सब कुछ कह देना ये मुझे तो बहुत कठिन लगता है लेकिन ये टेक्निक कैसा है इसके लिए ना अभ्यास करना पड़ता है बहुत हाँ, उसके बारे में ही थोड़ा बता दे समय सीमा में अगर हमको कोई कार्य करना है तो अगर अब बच्चे जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो तीन घंटे में सारा पेपर देते हैं ना हाँ, लेकिन कोर्स तो पूरे साल भर पड़ा होता है हाँ, बिल्कुल उसी को समाना है ना उसमें हाँ, तो मेरे पास अगर गागर है तो मुझे उसमें ही गंगा लाना है ना सागर को मैं घर में थोड़े ला सकती हूँ प्यारी बात है मतलब ये जो विषय है उसके ऊपर कोई वक्ता बहुत बड़ा भाषण दे सकता है लेकिन मैं मैं भी दे सकती हाँ, मैं वही बोल, बोल रही कोई कोई बहुत बड़ा वक्ता, कोई बहुत बड़ा बड़ा वक्ता भाषण दे सकता है लेकिन आपने ये सिर्फ चार पंक्तियों में कहा है इतनी इतनी ही बहुत प्यारी बात है तो आपने इतने प्यार भरे तरीके से इतना सब कुछ हमें गा के सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपको भी आनंद आया होगा मैं समझती हूँ आप और कुछ कविता के बारे में कहना चाहती हूं। कविता तो ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप कहते जाइए हाँ। समाप्त नहीं होगा कवि हाँ। क्योंकि कविता नदी है मैंने लिखा ना नदी है बहती रहती है बहती रहती है जब तक सागर में ना समा जाए ठीक है तो नदी का आ, आ, जो बाकी का जल है अगले एपिसोड में हम उसके साथ नहाएंगे अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमारी लेखिका जी हमारी कवयत्री जी सीता गुप्ता जी ने इतनी प्यारी बातें हमें गा के सुनाई मुझे हमेशा ऐसे लगता है संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारे दिल तक पहुंचता है हमारे दिल को छूता है ये जो संगीत के स्वर हैं ना उनकी सब विशेषताएं है ये जो सात सुर है सा रे ग म प ये हमें ना दुनिया के सारे गम और परेशानी भुला देते हैं और आनंद की लहरों में डुबा देते हैं मुझे हमेशा ऐसा लगता है इस संगीत का सार जो है वो सात्विकता का है रे रेखीवता का है ग गर्वहीनता का है म मधुरता का है प पवित्रता का है ध धेय का है नी निरालस्य का है और ऊपर का सा वो साधना का है वो उच्चतम करनी पड़ती है किसी भी साधक को तब भी इतने प्यारे विचार इतने कम शब्दों में ये व्यक्त करने की ये कला वो उसे आती है तो हम इसी प्यार भरी बातों के साथ आज का ये हमारा एपिसोड समाप्त करते हैं और आपकी इजाज़त लेते हैं नमस्कार